मेरे सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है मोहित जैन और इस लेक्चर में मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। दोस्तों, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पॉइंटर्स को पढ़ने की शुरुआत कर दी थी। आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि किसी सी के प्रोग्राम के अंदर किस तरह से किसी पॉइंटर वेरिएबल को हम लोग डिक्लेयर कर सकते हैं, किस तरह से किसी पॉइंटर वेरिएबल को हम लोग इनिशियलाइज कर सकते हैं, कैसे किसी पॉइंटर वेरिएबल के अंदर हम किसी और वेरिएबल के एड्रेस को असाइन करते हैं, ये सारी चीज़ें आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों। अब साथियों, जैसा कि आप लोग यहाँ बोर्ड पर देख सकते हैं, यहाँ हमने एक इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है और इस इंस्ट्रक्शन के अंदर हमने एक इंटीजर टाइप के वेरिएबल को डिक्लेयर भी किया है और इनिशियलाइज भी किया है। तो जब भी ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा तो मेमोरी में एक ए नाम का वेरिएबल बन जाएगा। अगर 16 बिट का कंपाइलर है तो इसकी साइज होगी 2 बाइट, यानी कि वेरिएबल ए के नाम पर यहाँ पर 2 बाइट्स एलोकेट कर दिए जाएंगे। अब जैसा कि हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, हर एक वेरिएबल का कुछ ना कुछ एड्रेस यहाँ होता है। तो दोस्तों, वेरिएबल ए का एड्रेस हम मान लेते हैं 1000। ये एड्रेस कंप्यूटर खुद अपनी तरफ से ही एलोकेट करता है। तो हमने हमारे समझने के लिए ऐसा मान लिया कि वेरिएबल ए का एड्रेस है 1000। अब दोस्तों, जैसे ही ये एड्रेस 1000 इस वेरिएबल ए के साथ एसोसिएट होगा, जैसे ही ये एड्रेस 1000 इस वेरिएबल ए के साथ जुड़ गया, तो इसे भी एक स्पेशल टाइप मिल जाएगा जो कि होगा इंटीजर पॉइंटर टाइप। अब साथियों, हमारे सामने ये चुनौती है कि हमें इस एड्रेस को किसी वेरिएबल में स्टोर करना है। तो जैसा कि हम लोग अब तक देखते आए, अगर हमें किसी इंटीजर कॉन्स्टेंट को, किसी इंटीजर वैल्यू को किसी वेरिएबल में स्टोर करना होता था तो दोस्तों हम वेरिएबल भी ले लेते थे इंटीजर टाइप का। अगर हमें किसी फ्लोट कॉन्स्टेंट को, किसी फ्लोट टाइप की वैल्यू को, जैसे 5.5, 6.7, 3.2, अगर इस तरह की वैल्यू को हमें किसी वेरिएबल में स्टोर करना होता था तो हम वेरिएबल का टाइप ले लेते थे फ्लोट टाइप। वहीं जब कभी भी हमें किसी कैरेक्टर कॉन्स्टेंट को किसी वेरिएबल में स्टोर करने की ज़रूरत पड़ी तो हमने वेरिएबल भी किस टाइप का लेना मुनासिब समझा, कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल लेना ही हमने मुनासिब समझा। यानी कि दोस्तों, जैसा कॉन्स्टेंट का टाइप है वैसा ही हम वेरिएबल का टाइप ले लेते हैं। जिस भी कॉन्स्टेंट को हमें किसी वेरिएबल में स्टोर कराना होता है तो जैसा उस कॉन्स्टेंट का टाइप होता है उसी टाइप का वेरिएबल हम लेते हैं और उस वेरिएबल में उस कॉन्स्टेंट को हम स्टोर कर लिया करते हैं। मतलब जैसा देश वैसा भेस। अब साथियों, यहाँ आप देख सकते हैं हमें इस 1000 को किसी वेरिएबल में स्टोर करना है, हमें इस वेरिएबल ए के इस एड्रेस को किसी वेरिएबल में स्टोर करना है। तो किस टाइप का वेरिएबल हमें यहाँ लेना होगा? तो दोस्तों, इस सवाल का जवाब हमें कहाँ मिलेगा? इसके टाइप में। यहाँ हमारा कॉन्स्टेंट क्या है दोस्तों? ये 1000। 1000 एक कॉन्स्टेंट वैल्यू है। और इसका टाइप क्या है? इसका टाइप है इंटीजर पॉइंटर टाइप, इंट एस्टरिस्क टाइप। तो इसे स्टोर करने के लिए वेरिएबल का टाइप भी क्या लेना मुनासिब होगा दोस्तों? इंटीजर पॉइंटर टाइप। यानी कि जैसा इस ए के एड्रेस का टाइप है उस ही टाइप के वेरिएबल में हम इसे स्टोर करेंगे यहां पर। तो किस तरह से हम किसी इंटीजर पॉइंटर टाइप के वेरिएबल को प्रोग्राम में डिक्लेयर कर सकेंगे, आइए देखते हैं। तो साथियों, ज़रा याद करें, जब कभी भी हमें कोई इंटीजर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करना होता था तो हम किस तरह से डिक्लेयर करते थे? आगे लिखते थे इंट, फिर स्पेस और फिर वेरिएबल का नाम। जब कभी भी हमें किसी फ्लोट टाइप के वेरिएबल को डिक्लेयर करना होता था तब हम क्या करते थे? आगे लिखते थे फ्लोट, फिर स्पेस, फिर वेरिएबल का नाम। मतलब पहले हम डेटा टाइप मेंशन करते थे, फिर स्पेस देते थे और फिर वेरिएबल का नाम लिख दिया करते थे। तो यहाँ भी दोस्तों,
हमें जो वेरिएबल डिक्लेयर करना है उसका टाइप अब हमें पता है, उसका टाइप है ये रहा इंट पॉइंटर। तो पहले तो हम क्या लिख दें, डेटा टाइप का नाम। तो यहाँ डेटा टाइप का नाम है दोस्तों इंट स्पेस एस्ट्रिक्स, फिर इसके बाद हम एक स्पेस दे देते हैं और यहाँ लिख देते हैं वेरिएबल का नाम। तो वेरिएबल का नाम तो हो गया दोस्तों p और इसका टाइप हो गया इंटीजर पॉइंटर टाइप, यानी कि ये वेरिएबल p अब किसी भी इंटीजर पॉइंटर टाइप की वैल्यू को अपने अंदर स्टोर करके रख सकता है। जैसे कि ये वेरिएबल a किसी भी इंटीजर टाइप की वैल्यू को अपने अंदर स्टोर करके रख सकता है क्योंकि इसका जो टाइप है वो है इंट। उसी तरह से ये वेरिएबल p किसी भी इंटीजर पॉइंटर टाइप की वैल्यू को अपने अंदर स्टोर करके रख सकता है। तो दोस्तों इसे डिक्लेयर करने के यहाँ पर आप अलग अलग तरीके देख सकते हो, सकता है आप अलग अलग बुक देखें तो आपको अलग अलग तरीके से ये लिखा हुआ मिले, इसका डिक्लेरेशन आपको अलग अलग तरीकों से लिखा हुआ मिले। तो इसे इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप ऐसा लिखिए इंट फिर स्पेस फिर एस्ट्रिक्स और पी साथ साथ लिख दीजिए। ऐसा लिखने का भी मतलब यही है कि p इज ए वेरिएबल ऑफ इंटीजर पॉइंटर टाइप, ऐसा भी लिख सकते हैं इस इंट को और इस सितारे को साथ साथ लिख दिया, फिर स्पेस लिख के यहां पर p लिख दिया। इसका भी दोस्तों यही मतलब है। तो चाहे ऐसे डिक्लेयर करो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ऐसे करोगे तो भी वही बात है और ऐसे करोगे तो भी वही बात है। तीनों का यही मतलब है कि p इज ए पॉइंटर वेरिएबल टू एन इंटीजर। यहां पर इस चीज को इस तरह से भी कह दिया जाता है कि p इज ए पॉइंटर टू एन इंटीजर। दोस्तों यहां पर इस पॉइंटर वेरिएबल को हमने कुछ इस तरह से डिक्लेयर किया है, इंट फिर स्पेस फिर एस्ट्रिक्स फिर p और फिर सेमीकोलन। वैसे वो तीनों तरीके आप इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी पॉइंटर वेरिएबल को डिक्लेयर करने के, पर ज़्यादातर बुक्स के अंदर या कहीं भी देखोगे इंटरनेट पर या कहीं भी आप लोग अगर देखेंगे तो ज़्यादातर जगह पर ज़्यादातर प्रोग्राम्स में इसी तरह से पॉइंटर वेरिएबल को डिक्लेयर किया जाता है। तो हम भी इसी तरीके को फॉलो यहाँ पर कर रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया है जो कि एक पॉइंटर टू एन इंटीजर है, एक पॉइंटर टाइप का वेरिएबल है। तो यहाँ पर वेरिएबल पी काबिल है किसी भी इंटीजर टाइप के वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करने के, क्योंकि जो इसका टाइप है वही किसी भी इंटीजर टाइप के वेरिएबल के एड्रेस का टाइप है। अब साथियों हमारे जहन में एक सवाल का उठना यहाँ पर लाजमी हो जाता है और सवाल ये है कि यहाँ पर ये जो p है ये एक पॉइंटर टू इंटीजर है, एक पॉइंटर टाइप का वेरिएबल है जो किसी इंटीजर वेरिएबल के एड्रेस को अपने अंदर स्टोर करके रख सकता है। तो ये जो p है ये किसी और वेरिएबल के एड्रेस को अपने अंदर स्टोर करके रख रहा है, तो क्या इस एड्रेस को ये हवा में ही स्टोर करके रखेगा क्या? जी नहीं दोस्तों, कंप्यूटर में तो जो भी चीज़ें स्टोर होती है वो मेमोरी में जाकर स्टोर होती है, ना कि हवा में स्टोर होती है। तो यहाँ पर ये जो वेरिएबल p है इस वेरिएबल p को भी मेमोरी में जगह मिलेगी ताकि उस जगह में ये किसी और वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करके रख सके, यानी कि वेरिएबल p भी यहाँ पर मेमोरी में कुछ जगह को ऑक्यूपाई करने वाला है। और यहाँ 16 बिट के कंपाइलर में एक पॉइंटर वेरिएबल की साइज कितनी होगी दोस्तों? 2 बाइट। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे ही ये वाला इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा, जब कभी भी आपने अगर ये इंस्ट्रक्शन लिखा है किसी प्रोग्राम के अंदर और जब भी ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा तो मेमोरी में एक 2 बाइट का वेरिएबल बन जाएगा साथियों, जिसका नाम होगा यहाँ पर p। पर ये कोई सिंपल वेरिएबल नहीं है, ये एक पॉइंटर वेरिएबल है। पर क्योंकि पॉइंटर वेरिएबल को भी अपने अंदर एक एड्रेस वैल्यू स्टोर करके रखना है, इसीलिए इसे भी मेमोरी में जगह मिलना उतनी ही ज़रूरी है जितनी कि किसी दूसरे वेरिएबल के लिए ज़रूरी होती थी। अब दोस्तों ये जो वेरिएबल p है
इसका भी मेमोरी में कुछ ना कुछ एड्रेस ज़रूर होगा। जैसा कि हम लोग देखते आए आज तक जितने भी वेरिएबल्स हमने देखे सभी के कुछ ना कुछ एड्रेसेस होते थे, तो इस वेरिएबल p का भी कुछ ना कुछ एड्रेस ज़रूर होगा। ये भी यहाँ मेमोरी में दो बाइट्स अक्यूपाई कर रहा है, दो एड्रेसेस अक्यूपाई कर रहा है, जैसे वेरिएबल a ने अक्यूपाई किए होंगे, तो आगे वाला जो एड्रेस है वही इस वेरिएबल p का एड्रेस यहाँ बन जाएगा। तो हम यहाँ मान लेते हैं कि वेरिएबल p का एड्रेस है 2000। अब साथियों ये जो वेरिएबल p है ये काबिल है अपने अंदर किसी इंटीजर टाइप के वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करने के। तो एड्रेस को हम कैसे स्टोर कर पाएंगे इस वेरिएबल p के अंदर, तो देखिएगा ज़रा दोस्तों इस एक्सप्रेशन को ध्यान से। हमने यहाँ लिखा p, फिर यहाँ हमने लगाया एक असाइनमेंट ऑपरेटर, और इसके आगे हमने लिखा है m परसेंट a, फिर लगा दिया सेमीकोलन। तो दोस्तों जरा इस एक्सप्रेशन को देखिएगा, इस एक्सप्रेशन के जरिए हम वेरिएबल a के एड्रेस को p के अंदर स्टोर करवा रहे हैं। तो ऐसा कैसे मुमकिन हो पा रहा है, तो दोस्तों ज़रा देखिएगा। अब साथियों इस एक्सप्रेशन को ज़रा आप गौर से देखें, जब आप इस एक्सप्रेशन को देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि यहाँ पर दो ऑपरेटर्स मौजूद हैं, एक तो है असाइनमेंट ऑपरेटर और एक है ये एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। क्या होता है ये एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, तो दोस्तों जो एड्रेस ऑफ ऑपरेटर होता है उसका सिंबल होता है ये एम परसेंट, और ये एक यूनरी ऑपरेटर होता है। यूनरी ऑपरेटर यानी कि जिसे अपना ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए सिर्फ एक ऑपरेंड की ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों यहाँ पर ये एक यूनरी ऑपरेटर है, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर है, और इसे रिप्रेजेंट करने के लिए जो सिंबल यूज होता है वो होता है ये एम परसेंट सिंबल। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो यूनरी ऑपरेटर है, ये जो एड्रेस ऑफ ऑपरेटर है, ये वेरिएबल ए के साथ काम कर रहा है यहाँ पर, इसके लिए एज ए ऑपरेंट ये वेरिएबल ए है। तो ये क्या करेगा, ये जो एड्रेस ऑफ ऑपरेटर है ये इस वेरिएबल ए का एड्रेस कैलकुलेट करके हमें दे देता है। तो वेरिएबल ए का एड्रेस कितना है दोस्तों, तो यहाँ हम मानकर चल रहे हैं कि वेरिएबल ए का एड्रेस है 1000। तो यहाँ ये जो ऑपरेटर है, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर है, ये इस वेरिएबल ए का एड्रेस कैलकुलेट कर लेगा जो कि आएगा 1000, और फिर वो 1000 इस p में असाइन कर दिया जाएगा। तो साथियों इस तरह से यहाँ से तो कैलकुलेट होकर आ गया वेरिएबल ए का एड्रेस, और वो जो वेरिएबल ए का एड्रेस है वो यहाँ p में असाइन कर दिया गया। इस असाइनमेंट ऑपरेटर ने उस a के एड्रेस को p नाम के वेरिएबल में स्टोर कर दिया यहाँ पर, यानी कि इस p की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, तो p की वैल्यू हो जाएगी 1000। अब थोड़ा सा जिक्र और मैं इस एड्रेस ऑफ ऑपरेटर का कर देता हूँ। तो दोस्तों ये जो m परसेंट सिंबल है यहाँ पर, ये जो ऑपरेटर को रिप्रेजेंट करने के लिए जो सिंबल यूज हो रहा है उसको हम कहते हैं एम परसेंट। तो इसको आप पहले भी दूसरे ऑपरेटर्स में देख चुके हैं, जैसे जब हमने लॉजिकल एंड ऑपरेटर पढ़ा था तब भी वहाँ एम परसेंट सिंबल यूज हुआ था। दो बार जब हम एम परसेंट सिंबल को लिख देते हैं तो ये बन जाता है लॉजिकल एंड ऑपरेटर। उसी के थोड़े दिनों बाद हमने एक और ऑपरेटर देखा जो कि कुछ इस तरह से दिखाई देता था। तो दोस्तों ये ऑपरेटर था बिटवाइज एंड ऑपरेटर। बिटवाइज एंड ऑपरेटर को रिप्रेजेंट करने के लिए भी एक बार बस m परसेंट हमें लिखना होता है। तो साथियों ये सिंबल बिटवाइज एंड ऑपरेटर को रिप्रेजेंट करता है और ये सिंबल एड्रेस ऑफ ऑपरेटर को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर सिंबल एक ही है पर दोनों अलग अलग ऑपरेटर के तौर पर यहाँ काम कर रहे हैं। तो फिर हम कैसे डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे, कैसे हम इन्हें इस्तेमाल कर पाएंगे अलग अलग ज़रूरतों के हिसाब से। तो दोस्तों इन दोनों के बीच में एक जो अंतर है वो ये है कि ये जो ऑपरेटर है जिसे हम कह रहे हैं बिटवाइज एंड ऑपरेटर, तो दोस्तों ये जो बिटवाइज एंड ऑपरेटर है ये होता है बाइनरी ऑपरेटर। तो दोस्तों बिटवाइज एंड ऑपरेटर जो होता है वो एक बाइनरी ऑपरेटर होता है। इसे ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए दो ऑपरेंड्स की ज़रूरत होती है। वहीं हमारा ये जो एड्रेस ऑफ ऑपरेटर है ये यूनरी ऑपरेटर होता है। इसे ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए ज़रूरत होती है सिर्फ एक ऑपरेंड की,
और ये जो ऑपरेटर है हमारा, ये किसी वेरिएबल का एड्रेस कैलकुलेट करके हमें दे देता है। अब दोस्तों, इस नज़ारे को देखते हुए मैं आप लोगों से कुछ चंद सवालात पूछूंगा, आपको उनके जवाब देना है। अगर दोस्तों मैं आपसे पूछूं कि बताओ ए की वैल्यू क्या है, तो साथियों आपका जवाब क्या होगा? 5, सही जवाब है। अगर दोस्तों मैं आपसे पूछूं कि बताएं जरा ए का एड्रेस क्या है, कितनी वैल्यू है ए के एड्रेस की, तो आपका जवाब क्या होगा दोस्तों? 1000। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ दोस्तों जो पी की वैल्यू है वो कितनी है, तो आपका जवाब क्या होगा? 1000। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ जरा P का एड्रेस कितना है, तो आपका जवाब क्या होगा साथियों? 2000। अगर मैं आपसे पूछूं कि जो P की वैल्यू है उसे अगर मैं एड्रेस मानूं, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, मेरा सवाल यह है कि अगर मैं जो P की वैल्यू है उसे एड्रेस मानूं, तो उस एड्रेस पर रखी हुई वैल्यू कितनी है दोस्तों, जरा जवाब दें। 5, सही जवाब है। भाई हमारा सवाल यह है कि अगर P की जो वैल्यू है जो कि है 1000, और इस 1000 को अगर मैं एड्रेस मानूं, तो उस एड्रेस पर रखी हुई वैल्यू कितनी होगी, तो दोस्तों 1000 एड्रेस पर रखी हुई वैल्यू है 5। अब दोस्तों आपके सामने मैं कुछ छोटे छोटे एक्सप्रेशंस लिखूंगा, आपको उन एक्सप्रेशंस की वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहला मैं एक्सप्रेशन यहाँ लिखता हूँ ए, तो ज़रा बताएं दोस्तों ए की वैल्यू कितनी आएगी, तो यहाँ हम देख सकते हैं ए की वैल्यू आएगी दोस्तों 5। अगर मैं आपसे पूछूं कि ज़रा बताओ एम परसेंट ए की वैल्यू कितनी आएगी, एड्रेस ऑफ ए की वैल्यू कितनी आएगी, 1000, इसका मतलब हो गया दोस्तों ए का एड्रेस, वेरिएबल ए का एड्रेस, और वेरिएबल ए का एड्रेस हम लोग यहां देख सकते हैं 1000 है। अगर मैं आपसे पूछूं कि पी की वैल्यू बताओ, तो दोस्तों पी की वैल्यू कितनी बताएंगे आप, 1000। हम यहां देख सकते हैं जो पी की वैल्यू है वो है 1000, जो पी की वैल्यू है वही तो ए का एड्रेस है, तो पी की वैल्यू आएगी यहां से 1000। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ m परसेंट p की वैल्यू कितनी आएगी, तो m परसेंट p की वैल्यू का मतलब क्या हो गया दोस्तों, p का एड्रेस। अब हम p की वैल्यू की बात नहीं कर रहे, p के एड्रेस की बात कर रहे हैं, तो p का एड्रेस है दोस्तों यहां पर 2000। साथियों जो अगला एक्सप्रेशन है उसे आप बड़े ही गौर से देखिएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी, ये जो एक छोटा सा एक्सप्रेशन हमने यहाँ लिखा हुआ है इसकी वैल्यू क्या होगी, तो दोस्तों आइए समझते हैं कि इस तरह के एक्सप्रेशंस को हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, इस एस्ट्रिक्स के लग जाने से क्या फ़र्क पड़ता है, क्या इस ऑपरेटर का मतलब होता है, और क्या होगी इस एक्सप्रेशन की वैल्यू। तो दोस्तों आइए समझने के लिए इस एक्सप्रेशन को हम थोड़ा जूम कर लेते हैं। तो यहाँ आप इस एक्सप्रेशन को देख रहे होंगे, इस एक्सप्रेशन के अंदर जो एक नई चीज़ आज हम सीखने जा रहे हैं वो है ये सितारा। दोस्तों ये एक ऑपरेटर है, एक यूनरी ऑपरेटर है, और इस ऑपरेटर का नाम है इनडायरेक्शन ऑपरेटर। इस ऑपरेटर को एक नाम और दिया जाता है, वैल्यू ऑफ ऑपरेटर। तो यहां पर ये ऑपरेटर क्या जलवा दिखाएगा, किस तरह से ये एक्सप्रेशन सॉल्व होगा, आइए इस चीज को समझते हैं। तो दोस्तों यहां आप देख सकते हैं इस एक्सप्रेशन के अंदर पैरेंथेसिस में एक और सब एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, यहां लिखा हुआ है एम परसेंट ए, एड्रेस ऑफ ए, यानी कि पहले ये पैरेंथेसिस यहां सॉल्व होगा जिससे हमको मिल जाएगा ए का एड्रेस। तो यहां हम देख सकते हैं हमारे इस चित्र में जो ए का एड्रेस है वो कितना है दोस्तों, 1000।
तो दोस्तों इसके सॉल्व होने पर यहाँ हमें मिल जाएगा ए का एड्रेस। अब आप देख सकते हैं दोस्तों ए के एड्रेस के आगे लगा हुआ है ये सितारा, ये इन डायरेक्शन ऑपरेटर। तो ये क्या काम करेगा? तो दोस्तों यहाँ पर ये जो इन डायरेक्शन ऑपरेटर है ये हमें एक वैल्यू रिटर्न कर देगा। और क्या होगी वो वैल्यू? तो दोस्तों वो होगी 1000 एड्रेस पर रखी हुई वैल्यू। तो ज़रा बताएं दोस्तों 1000 एड्रेस पर रखी हुई वैल्यू क्या है? 5। तो जब कभी भी यहाँ किसी वैल्यू के आगे सितारा लग जाता है, जैसे यहाँ हज़ार के आगे क्या लग गया दोस्तों? सितारा। तो अब हम हज़ार की बात नहीं कर रहे हैं, अब हम बात कर रहे हैं 1000 एड्रेस में रखी हुई वैल्यू की। मतलब 1000 तो एड्रेस और उसमें रखी हुई वैल्यू की अब हम बात कर रहे हैं, और उस एड्रेस पर रखी हुई वैल्यू क्या है दोस्तों? 5। तो यहाँ से हमें सॉल्व होकर क्या मिल जाएगा? 5। अब दोस्तों आप ये कन्फ्यूजन ना लाइएगा कि ये एस्ट्रिक्स तो हम मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज़ किया करते थे। तो दोस्तों जब ये ऑपरेटर एज ए मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर यूज़ होता था तो वहाँ पर ये एक बाइनरी ऑपरेटर के तौर पर काम करता था। यहाँ आप देख सकते हैं ये एक यूनरी ऑपरेटर के तौर पर काम कर रहा है। तो जब ये एस्ट्रिक्स एज ए यूनरी ऑपरेटर काम करेगा तो ये इनडायरेक्शन ऑपरेटर की तरह काम करेगा, और जब हम इस एस्ट्रिक्स को बाइनरी ऑपरेटर के तौर पर यूज़ करते हैं तब ये मल्टीप्लिकेशन की तरह काम करता है, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर की तरह काम करता है। दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी, तो इस एक्सप्रेशन को हम किस तरह से सॉल्व कर पाएंगे? तो सबसे पहले तो हम देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर पैरेंथेसिस के अंदर लिखा हुआ है m% p एड्रेस ऑफ ऑपरेटर p। तो यहाँ पर सबसे पहले तो कैलकुलेट होकर आ जाएगा p का एड्रेस, और p का एड्रेस है यहाँ पर 2000। तो यहाँ से सॉल्व होकर आया p का एड्रेस जो कि है 2000। अब आप देख सकते हैं साथियों 2000 के आगे लगा हुआ है सितारा, ये इनडायरेक्शन ऑपरेटर। तो ये सॉल्व होकर हमें क्या दे देगा? तो दोस्तों इसका मतलब क्या हो गया? अब हम 2000 की बात नहीं कर रहे, अब क्योंकि इस 2000 के आगे लग चुका है सितारा, ये इनडायरेक्शन ऑपरेटर। तो अब हम 2000 की बात नहीं कर रहे, अब तो हम बात कर रहे हैं 2000 एड्रेस में रखी हुई वैल्यू की। मतलब 2000 को तो हम एज ए एड्रेस मानेंगे, और उस एड्रेस में रखी हुई जो वैल्यू होगी वो हमें यहाँ से मिल जाएगी। तो ज़रा बताएं साथियों 2000 एड्रेस में रखी हुई वैल्यू क्या होगी? तो 2000 एड्रेस में रखी हुई वैल्यू है 1000। तो यहाँ से हमें सॉल्व होकर क्या मिलेगा साथियों? 1000। इस एक्सप्रेशन ने तो सॉल्व करके हमें दे दिया 1000। अब एक और एक्सप्रेशन लिखते हैं, तो ज़रा बताएं इसकी वैल्यू कितनी आएगी। तो इसकी वैल्यू हम किस तरह से निकालेंगे? तो दोस्तों यहाँ पर इसका मतलब क्या हो गया? ये इनडायरेक्शन ऑपरेटर है और p में यकीनन कोई ना कोई वैल्यू है यहाँ पर। तो ये क्या करेगा? जो भी p की वैल्यू है उसको एड्रेस मानते हुए उस एड्रेस में रखी हुई वैल्यू हमें दे देगा। तो ज़रा बताएं दोस्तों p की वैल्यू कितनी है? तो p की वैल्यू है यहाँ पर 1000, और इस 1000 एड्रेस में रखी हुई वैल्यू कितनी है? 5। तो यहाँ से हमें सॉल्व होकर क्या मिलेगा? 5 मिलेगा। इसको हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ लगा हुआ है इनडायरेक्शन ऑपरेटर, p की जो वैल्यू है वो है 1000, तो हमने 1000 यहाँ पर लिख दी। अब सितारा लग गया है 1000 के आगे, मतलब 1000 एड्रेस में रखी हुई वैल्यू जो कि है 5, यानी कि यहाँ से हमको सॉल्व होकर क्या मिलेगा? 5। यानी कि इनडायरेक्शन ऑपरेटर p की वैल्यू कितनी है? 5 है। अब दोस्तों अगर मैं पूछूँ इसकी वैल्यू क्या होगी, तो दोस्तों इस एक्सप्रेशन को हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या वैल्यू आती है। यहाँ आप देख सकते हैं पैरेंथेसिस हैं, और उस पैरेंथेसिस के अंदर एक और पैरेंथेसिस हैं, ये सब एक्सप्रेशंस हैं जो पैरेंथेसिस के अंदर हैं। तो ये तो हम जानते ही हैं कि जो भी पैरेंथेसिस के अंदर लिखे हुए सब एक्सप्रेशंस होते हैं वो पहले सॉल्व किए जाते हैं। हमने जब पहले ऑपरेटर प्रेसिडेंस
जब हमने डिस्कस किया था तब हमने ये चीज़ बड़ी ही शिद्दत से पढ़ ली थी। तो यहाँ पर सबसे पहले कौन सॉल्व होगा दोस्तों, ये एम परसेंट पी। तो जब ये सॉल्व होगा तो यहाँ से मिल जाएगा पी का एड्रेस, तो ये एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से हो जाएगा। और पी का एड्रेस हमें यहाँ से मिला है, पी का एड्रेस है 2000, तो यहाँ से आ जाएगा 2000। अब आगे देखते हैं, अब सॉल्व कौन होगा दोस्तों, ये। तो यहां 2000 के आगे लिखा हुआ है सितारा, 2000 के आगे लगा हुआ है इनडायरेक्शन ऑपरेटर, तो ये हमें सॉल्व होकर क्या दे देगा। तो दोस्तों जैसे ही 2000 के आगे लगा सितारा, तो हम 2000 की बात नहीं कर रहे हैं, यहां पर हम तो बात कर रहे हैं 2000 एड्रेस में रखी हुई वैल्यू की। और 2000 एड्रेस में रखी हुई वैल्यू है दोस्तों 1000, तो यहां से सॉल्व होकर हमें मिल गया 1000। अब साथियों इस 1000 के आगे लग गया सितारा इनडायरेक्शन ऑपरेटर, मतलब ये सॉल्व होकर हमें क्या दे देगा, 1000 एड्रेस में रखी हुई वैल्यू। अब हम 1000 की बात नहीं कर रहे हैं, इसके आगे जैसे ही सितारा लगा तो 1000 एड्रेस में रखी हुई वैल्यू की हमने बात कर दी यहां पर। तो 1000 एड्रेस में रखी हुई वैल्यू है दोस्तों 5, तो यहां से हमें मिलेगा 5। यानी कि ये जो पूरा एक्सप्रेशन है जब ये सॉल्व होता है तो हमें क्या दे देगा 5। तो साथियों अब आप लोग समझ पा रहे होंगे कि किस तरह से ये एड्रेस ऑफ ऑपरेटर और इनडायरेक्शन ऑपरेटर जिसे हम कह रहे हैं हमारा सितारा, ये किस तरह से यहाँ एक्सप्रेशंस में काम करते हैं, बड़ी ही काम की चीज़ें हैं ये। इसी के बलबूते आगे जाकर हमारी पूरी पॉइंटर्स की जो इमारत है वो खड़ी होगी दोस्तों। तो दोस्तों अगर कोई भी आपके मन में डाउट है, कोई भी शिकवा शिकायत है, मेरी आपसे गुजारिश है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर वो डाउट्स आप पूछ लें, क्लियर कर लें। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके सवालों का जवाब देने की। अब साथियों जैसा कि आप लोग यहाँ बोर्ड पर देख सकते हैं, हमने एक बड़ा ही बेसिक सा प्रोग्राम लिखा हुआ है जिसके अंदर हमने और कुछ छोटी छोटी बातें जो पॉइंटर्स से जुड़ी हुई है उनको हम जानने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। तो दोस्तों सबसे ऊपर तो हेडर फाइल्स आप ज़रूर लिख लीजिएगा, हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड conio.h। अब हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं वन बाय वन, एक एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करके देखते हैं होता क्या है। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले ये वाला इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा। तो जैसे ही ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा मेमोरी में एक इंटीजर टाइप के वेरिएबल का जन्म होगा जिसका नाम होगा ए। ये इनिशियलाइज हो जाएगा एक वैल्यू 10 से, और अगर 16 बिट का कंपाइलर है तो इसकी साइज होगी 2 बाइट, और इसका कुछ ना कुछ एड्रेस भी होगा। हम मान लेते हैं कि कंप्यूटर ने इस वेरिएबल को जो एड्रेस दिया है वो है 6000। अब ये एड्रेस, कौन सा एड्रेस इस वेरिएबल ए को मिलना है, ये निर्णय, ये डिसीजन तो कंप्यूटर का ही रहता है। तो हमने हमारी सहूलियत के लिए ऐसा एज्यूम कर लिया कि वेरिएबल ए का एड्रेस है 6000। अब आगे बढ़ते हैं, अगला इंस्ट्रक्शन है जिसके अंदर हमने एक पॉइंटर वेरिएबल का डिक्लेरेशन किया हुआ है। इस वेरिएबल का नाम है दोस्तों p, और ये एक पॉइंटर टू इंटीजर है, मतलब इस वेरिएबल p के अंदर काबिलियत है एक इंटीजर टाइप के वेरिएबल का एड्रेस होल्ड करने की। तो यहाँ इस p को भी मेमोरी में 2 बाइट की जगह मिल जाएगी, 16 बिट के कंपाइलर में पॉइंटर वेरिएबल की साइज भी 2 बाइट होती है। और सीधी सी बात है कि अगर ये मेमोरी में 2 बाइट सक्यूपाई कर रहा है ये वेरिएबल, तो इसका कुछ ना कुछ एड्रेस जरूर होगा। हम मान लेते हैं इसका एड्रेस है 6500। अब आगे बढ़ते हैं, अब दोस्तों ज़रा इस इंस्ट्रक्शन को देखिए। जैसा कि हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ इस इंस्ट्रक्शन के अंदर क्या हो रहा है, जो ए का एड्रेस है वो वेरिएबल पी के अंदर जाकर स्टोर हो रहा है। तो यहाँ पी के अंदर आ जाएगा ए का एड्रेस, तो पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों 6000। तो इस तरह से हम देख सकते हैं पी की वैल्यू 6000 हो चुकी है जो कि ए का एड्रेस है। अब आगे बढ़ते हैं, CLRSCR आउटपुट स्क्रीन को क्लियर कर देगा। दोस्तों जैसे ही ये printf एग्जीक्यूट होगा तो यहाँ इस printf के ज़रिए ए की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी।
और ए की वैल्यू है यहाँ पर 10, तो इस परसेंटेज डी की जगह इस ए की वैल्यू प्रिंट हुई और यहाँ प्रिंट हो जाएगा 10। फिर अगला इंस्ट्रक्शन, अब जैसे ही कंट्रोल इस अगले इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हम वैल्यू प्रिंट करवा रहे हैं एम परसेंट ए की, यानी कि ए के एड्रेस की, और ए का एड्रेस कितना है दोस्तों 6000। तो यहाँ में लिखा है एम परसेंट ए, और इसकी वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए जो फॉर्मेट स्पेसिफायर हमने यूज़ किया है वो फॉर्मेट स्पेसिफायर है दोस्तों परसेंटेज यू। अब आपके जहन में एक सवाल उठ रहा होगा कि परसेंटेज यू ही क्यों यूज़ किया भाई, परसेंटेज डी ही यूज़ कर लेते हैं। तो दोस्तों होता क्या है कि आम तौर पर जो एड्रेसेस की वैल्यूज़ होती हैं, जो वेरिएबल्स को अलोकेट होने वाले एड्रेसेस होते हैं, वो बड़े नंबर होते हैं, बड़े पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। अगर हम परसेंटेज डी को यूज़ करते तो परसेंटेज डी साइंड इंटीजर को रिप्रेजेंट करता है दोस्तों, और परसेंटेज डी एक पर्टिकुलर रेंज ऑफ इंटीजर को ही कवर कर सकता है, जैसा कि हमने हमारे साइंड वर्सेस अनसाइंड इंटीजर वाले लेक्चर में देखा था। परसेंटेज डी क्योंकि यहाँ साइंड इंटीजर को रिप्रेजेंट करेगा, तो साइंड इंटीजर की तो रेंज होती है साथियों -32768 से लेकर +32767। अब पहली बात तो ये कि जो एड्रेसेस होते हैं वो नेगेटिव में होते ही नहीं है, एड्रेसेस तो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर वैल्यूज होती हैं। अब इसमें आप देख सकते हैं ये नेगेटिव रेंज ऑफ नंबर को भी कवर करता है -32768 से लेकर -1 तक। अब ये जो रेंज है ये तो यहाँ किसी काम की नहीं है, अगर आपको एड्रेस रिप्रेजेंट करना है तो एड्रेस रिप्रेजेंट करने के लिए इस रेंज का कोई मतलब नहीं, क्योंकि एड्रेस वैल्यूज़ जो होती हैं वो तो हमेशा एक पॉजिटिव इंटीजर ही होती है। और दोस्तों दूसरी बात ये है कि ये जो रेंज कवर कर रहा है तो पॉजिटिव में आप देख सकते हैं कि जो इसकी मैक्सिमम जो लिमिट है वो है +32767, यानी कि कोई एड्रेस अगर इसके बाद का एड्रेस हो, कोई एड्रेस वैल्यू ऐसी हो जो 32767 से बड़ी वैल्यू हो, तब हम साइंड इंटीजर के थ्रू उसको रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। और आमतौर पर ऐसा ही होता है दोस्तों कि ये जो वेरिएबल्स होते हैं इन वेरिएबल्स को जो एड्रेसेस मिलते हैं वो इससे तो बड़े ही होते हैं, तो इतनी बड़े पॉजिटिव नंबर को कवर करने के लिए बेहतर है कि हम अनसाइंड इंटीजर का यूज़ करें, हम परसेंटेज यू का यूज़ करें। तो यहाँ जब हम परसेंटेज यू के थ्रू एम परसेंट ए की वैल्यू को प्रिंट कराएंगे तो खुशी खुशी यहाँ हमको ए का जो करेक्ट एड्रेस है वो प्रिंट होता हुआ नज़र आ जाएगा। तो अगर ए का एड्रेस हम देखें तो हाल फिलहाल हमारे पास क्या है यहाँ पर 6000, तो इस प्रिंट एफ के ज़रिए जो वैल्यू प्रिंट होगी वो होगी 6000। फिर आगे आते हैं, यहाँ आते हैं, इस इंस्ट्रक्शन पर आते हैं। अब इस इंस्ट्रक्शन के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने छोटा सा एक्सप्रेशन लिखा हुआ है जिसको अभी हमने थोड़ी देर पहले सॉल्व भी करके देखा था। यहाँ लिखा हुआ है पहले इनडायरेक्शन ऑपरेटर और पैरेंथेसिस के अंदर लिखा हुआ है एम परसेंट ए। तो एम परसेंट ए तो हमें सोल्व होकर दे देगा दोस्तों ए का एड्रेस, और ए का एड्रेस है यहाँ पर 6000। फिर उस 6000 के आगे लगा हुआ है ये इनडायरेक्शन ऑपरेटर, यानी कि अब ये इनडायरेक्शन ऑपरेटर हमें क्या दे देगा, 6000 एड्रेस में रखी हुई वैल्यू, और 6000 एड्रेस में रखी हुई वैल्यू है दोस्तों 10। तो यहाँ से क्या प्रिंट हो जाएगा दोस्तों 10। और दोस्तों हमने यहाँ परसेंटेज डी फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज़ कर लिया। क्यों कर लिया? क्योंकि इस एक्सप्रेशन के सॉल्व होने पर जो वैल्यू हमें मिलेगी वो ए की वैल्यू मिलेगी, और जो ए की वैल्यू है वो साइंड इंटीजर की रेंज में यहाँ पर आ रही है, इसलिए हमने परसेंटेज डी का यूज़ कर लेना यहाँ पर मुनासिब समझा। अब आगे आते हैं, आगे इस इंस्ट्रक्शन को देखिए ज़रा। अब जैसे ही ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा तो यहाँ से पी की वैल्यू प्रिंट हो रही है। तो दोस्तों पी की वैल्यू का मतलब क्या है? तो पी की वैल्यू का मतलब है ए का एड्रेस, जो पी की वैल्यू है वही तो ए का एड्रेस है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ध्यान से, पी की जो वैल्यू है वो है 6000, जो कि ए का एड्रेस है।
तो यहाँ से प्रिंट हो जाएगी पी की वैल्यू। अब इसे प्रिंट करने के लिए परसेंटेज यू फॉर्मेट स्पेसिफायर क्यों? क्यों? तो साथियों यहाँ पर जो पी की वैल्यू है वो ए का एड्रेस है, और ए का एड्रेस एक बड़ा पॉजिटिव नंबर हो सकता है जो कि इस रेंज में ना समाए, ऐसा हो सकता है, इसलिए हमने यहाँ परसेंटेज यू का यूज़ किया। तो पी की वैल्यू है 6000, तो यहाँ से प्रिंट हो जाएगा 6000। फिर आगे आते हैं, आगे आप इस इंस्ट्रक्शन को देखिए। अब यहाँ दोस्तों हमने लिखा हुआ है इन डायरेक्शन ऑपरेटर पी। यहाँ हम पी के अंदर जो एड्रेस है उस एड्रेस में रखी हुई वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं। जो पी की वैल्यू है वो एक एड्रेस है और उस एड्रेस में रखी हुई वैल्यू। तो ये एक्सप्रेशन जब सॉल्व होगा तो इसका मतलब यहाँ हो रहा है कि भाई जो पी की वैल्यू है, तो पी की वैल्यू तो कितनी है दोस्तों, 6000, और इस 6000 के आगे लगा हुआ है सितारा, 6000 के आगे लगा हुआ है इनडायरेक्शन ऑपरेटर, यानी कि इस 6000 में रखी हुई वैल्यू को हम यहाँ प्रिंट कर रहे हैं। तो यहाँ से क्या प्रिंट होगा दोस्तों, 10। तो दोस्तों यहाँ जैसे ही ये इनडायरेक्शन ऑपरेटर लगता है ना, तो ये कहाँ पॉइंट करने लग जाता है, ये वहाँ पॉइंट करने लग जाता है, उस एड्रेस पर पॉइंट करने लग जाता है जो पी की वैल्यू है, और पी की वैल्यू 6000 है, तो ये 6000 लोकेशन पर पॉइंट करने लग जाता है, 6000 लोकेशन में रखी हुई वैल्यू पर ये पॉइंट करने लग जाता है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं दोस्तों हम, पॉइंटर, क्योंकि ये किसी को पॉइंट कर रहा है, किसी को पॉइंट कर रहा है। तो दोस्तों पॉइंटर वेरिएबल उस लोकेशन को पॉइंट कर सकता है जिसका एड्रेस उसके पास है। तो दोस्तों जरा बताएं यहाँ से क्या प्रिंट होगा, तो यहाँ से प्रिंट हो जाएगा P जिस लोकेशन को पॉइंट कर रहा है उस लोकेशन में रखी हुई वैल्यू जो कि है 10। अब आते हैं दोस्तों इस इंस्ट्रक्शन पर। अब इस इंस्ट्रक्शन के अंदर हम प्रिंट कर रहे हैं P का एड्रेस, M% P लिखा हुआ है, मतलब P का एड्रेस, और P का एड्रेस कितना है, तो यहाँ हम लेकर चले हैं P का एड्रेस 6500। तो यहाँ से प्रिंट हो जाएगा साथियों 6500। फिर आगे बढ़ते हैं, अब आगे आए इस इंस्ट्रक्शन को देखते हैं। अब यहाँ क्या प्रिंट हो रहा है दोस्तों, तो यहाँ पहले इनडायरेक्शन ऑपरेटर लगा हुआ है, फिर पैरेंथेसिस के अंदर M% P लिखा हुआ है, तो पहले ये पैरेंथेसिस सॉल्व होगा। M% P मतलब P का एड्रेस, तो P का एड्रेस कितना है दोस्तों, 6500। तो ये सॉल्व होकर हमें दे देगा 6500, और फिर उसके आगे लगा हुआ है ये इनडायरेक्शन ऑपरेटर, मतलब 6500 के आगे लगा हुआ है ये सितारा, इसका मतलब ये हमें क्या दे देगा, 6500 में रखी हुई वैल्यू, 6500 को हम ऐसे एड्रेस देखें तो उस एड्रेस में रखी हुई वैल्यू, तो 6500 एड्रेस में रखी हुई वैल्यू क्या है दोस्तों, 6000। तो यहाँ से प्रिंट हो जाएगा 6000। फिर आगे आते हैं, इस इंस्ट्रक्शन पर आते हैं, तो यहाँ हमने लगाया है, ये थोड़ा सा बड़ा एक एक्सप्रेशन है, अभी थोड़ी देर पहले हमने इसको सॉल्व भी किया था। तो यहाँ हमने लिखा हुआ है इनडायरेक्शन ऑपरेटर, फिर पैरेंथेसिस है, फिर इनडायरेक्शन ऑपरेटर है, फिर ये एक इनर पैरेंथेसिस है। तो यहाँ सबसे पहले कौन सॉल्व होगा, ये सॉल्व होगा, ये सॉल्व होगा, तो ये हमें दे देगा पी का एड्रेस, पी का एड्रेस है 6500। अब ये जो इनडायरेक्शन ऑपरेटर है ये लगा हुआ है P के एड्रेस के आगे, मतलब 6500 के आगे, यानी कि इनडायरेक्शन ऑपरेटर P का एड्रेस, यानी कि P के एड्रेस में रखी हुई वैल्यू, यानी कि 6500 में रखी हुई वैल्यू। तो 6500 में रखी हुई वैल्यू क्या है दोस्तों, 6000। तो इस पूरे ने सोल्व होकर हमें दे दिया 6000। अब 6000 जो है वो किसका एड्रेस है, A का एड्रेस है। तो यहाँ 6000 के आगे क्या लगा हुआ है दोस्तों, इनडायरेक्शन ऑपरेटर। तो जब ये पूरा सॉल्व होगा तो हमें क्या मिल जाएगा, 6000 एड्रेस में रखी हुई वैल्यू, यानी कि A के एड्रेस में रखी हुई वैल्यू, और जो कि है 10। तो यहाँ से प्रिंट हो जाएगा दोस्तों 10, और इस तरह से ये प्रोग्राम मुकम्मल हो जाएगा। अब आओ दोस्तों इस प्रोग्राम को हम एक बार कंप्यूटर पर टाइप करके एग्जीक्यूट करके भी देख लेते हैं। अभी हमने यहाँ टर्बो सी की ये एक आईडी खोली है, तो हम यहाँ सबसे पहले एक फाइल हमारी खोल लेते हैं और उसमें उसको एक नाम दे देते हैं। तो यहाँ पर मैंने सेव एज में जाकर, पहले फाइल में जाकर फिर सेव एज में जाकर एक नाम मैं यहाँ दे देता हूँ। मैंने नाम इसका दे दिया पॉइंटर,
डॉट और फिर एक्सटेंशन मैंने दे दिया है सी, क्योंकि हम यहाँ सी लैंग्वेज में काम कर रहे हैं। अगर डॉट सी पी पी एक्सटेंशन होगा तो हम सी प्लस प्लस के कंपाइलर पर यहाँ काम करते हैं। ये टर्बो सी सी प्लस प्लस की IDE है। तो यहाँ अब हम प्रोग्राम टाइप करते हैं। तो साथियों, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हमने यहाँ इस टर्बो सी सी प्लस प्लस की IDE में इस प्रोग्राम को टाइप कर लिया है। और अब इस प्रोग्राम को हम एक बार कंपाइल करके देखते हैं। तो जब हम इसको कंपाइल करेंगे तो कोई भी एरर नहीं आएगी। ये वही प्रोग्राम है जिसे अभी हमने कुछ लम्हों पहले बोर्ड पर देखा था, समझा था। उसी प्रोग्राम को दोस्तों हमने यहाँ पर पूरा टाइप किया है। अब इस प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो यहाँ दोस्तों, जैसे ही हम इसको रन करेंगे तो इसका आउटपुट हमारी नज़रों के सामने होगा। अब साथियों, जैसा कि आप देख सकते हैं, इस प्रोग्राम का हमें ये आउटपुट नज़र आ रहा है। तो सबसे ऊपर तो हम देख सकते हैं 10 प्रिंट हुआ है। तो ये 10 क्यों प्रिंट हुआ है? क्योंकि हमने सबसे पहले वाले प्रिंट एफ में ए की वैल्यू को प्रिंट किया था। फिर अगला जो आपको आउटपुट नज़र आ रहा है, जो अगली वैल्यू अगली लाइन में जो प्रिंट होती हुई नज़र आ रही है, वो है 65524। तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि अगले प्रिंट एफ के अंदर हमने ए का एड्रेस प्रिंट किया था, m% a की वैल्यू को प्रिंट किया था। तो यहाँ हम इस आउटपुट को देखकर अब ये साफ तौर पर समझ पा रहे हैं कि जो हमारा ये प्रोग्राम है, इसमें वेरिएबल ए को कौन सा एड्रेस मिला होगा। तो जैसा कि हमने बात की थी दोस्तों, कि जो भी वेरिएबल्स होते हैं, इनको जो भी एड्रेसेस मिलते हैं, ये एड्रेसेस कंप्यूटर अपने हिसाब से देता है। हमारा इस पर कोई भी इख्तियार नहीं होता, हमारे बस में नहीं होता कि कौन सा एड्रेस कौन से वेरिएबल को मिलना है। तो यहाँ पर कंप्यूटर ने वेरिएबल ए को जो एड्रेस दिया है, वो एड्रेस दिया है 65524। तो यहाँ से साफ हो जाता है वेरिएबल ए का एड्रेस है 65524। फिर अगली लाइन में आपको प्रिंट होता हुआ दिख रहा है 10। तो ये 10 क्यों दिख रहा है? क्योंकि हमने प्रिंट एफ के अंदर लिखा हुआ था एक्सप्रेशन एस्ट्रिक्स m% a। तो तीसरी लाइन में अब आप देख सकते हैं यहाँ पर 10 प्रिंट हो रहा है। जैसा कि इस पर हम पहले डिस्कस कर ही चुके हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, 10 क्यों प्रिंट हो रहा है। और फिर उसके बाद आप देख सकते हैं 65524, जो कि क्योंकि इस प्रिंट एफ के अंदर हमने p की वैल्यू प्रिंट करवाई थी, तो उस प्रिंट एफ की वजह से यहाँ दिख रहा है 65524। अब p की वैल्यू भी वही है जो a का एड्रेस है। फिर उसके बाद 10, और उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं 65522। तो ये 65522 क्या है, ये एक बार इस पर हम नज़र डाल लेते हैं। तो दोस्तों, ये जो 65522 है, ये p का एड्रेस है। दोस्तों, ये जो 65522 है, ये हमें क्यों नज़र आ रहा है? क्योंकि इस प्रिंट एफ के अंदर हमने m% p की वैल्यू को प्रिंट किया था। यानी कि इस प्रोग्राम को देखने पर हमें साफ तौर पर ये समझ में आ जाता है कि वेरिएबल a का एड्रेस तो है 65524, और वेरिएबल p का जो एड्रेस है वो है 65522। तो ये एड्रेसेस चेंज भी हो सकते हैं। हो सकता है कि आप जब आपके कंप्यूटर पर प्रोग्राम को रन करें, कुछ और एड्रेसेस भी नज़र आ सकते हैं। हो सकता है सेम एड्रेसेस ही आपको नज़र आ जाए, तो उसमें ऐसी कोई संकोच करने वाली बात नहीं है। तो ठीक है साथियों, इस लेक्चर को अब हम यहीं एंड करते हैं। होती है मुलाकात अगले लेक्चर में, उसमें हम कुछ और इंटरेस्टिंग पॉइंटर्स से जुड़े हुए प्रोग्राम्स बनाएंगे। अभी हम कई सारे एग्जांपल्स देखेंगे जिसके ज़रिए पॉइंटर्स पर हमारी एक अच्छी पकड़ हो जाएगी। तो अभी मुझे दीजिए इजाज़त, होती है मुलाकात अगले लेक्चर में। आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया साथियों।